बरसात लगातार जब से आई है तब से चली रही है और अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि रेड अलर्ट लगातार चल रहा है और क्या शूट करें इतनी बरसात में। अगर आप केरला का कोई भी सोवेनियर देखेंगे ना तो एक इमेज आपको ज़रूर दिखेगी और वो है कथकली आर्टिस्ट की इमेज। कथकली केरला का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसे देखकर मज़ा आ जाता है। और अभी हम लोग जहाँ पर रुके हैं मुन्नार में, चीना कनाल करके जगह है, यहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर एक दूसरी जगह है चित्रापुरम, जहाँ पर एक परफॉर्मिंग थिएटर है जिसका नाम है कलरी क्षेत्र। और कलरी क्षेत्र में रोज़ शाम को 5 से 7 कथकली डांस के और कलरी पयट्टू के लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं। 200 रुपये टिकट होता है हर परफॉर्मेंस का। गूगल पे विल वर्क, थैंक यू सो मच। ये है हैप्पी एनिवर्सरी। हाउ मेनी इयर्स? 9 years इन कलरी क्षेत्र। कलरी पयट्टू जो है वो केरला का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स फॉर्म है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कलरी पयट्टू और कथकली डांस फॉर्म। पर सामान की पैकिंग चल रही है अभी हमारे अगले डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं वारकला और सुबह के अभी करीब 7:15 बज रहे हैं। यहाँ से मुन्नार में जहाँ पर हम रुके हैं हॉस्टेलर में, यहाँ से करीब 7 घंटे का रास्ता है वारकला का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए चलो जी, हमारा वाहन तैयार है आगे बढ़ने के लिए। विजिबिलिटी लगभग ना बराबर, ड्राइव करने में 21 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, 10 से 20 मीटर आपको नज़र आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एकदम ही 10-20 की स्पीड पर गाड़ी चलाते रहिए और टर्निंग्स बहुत सारे हैं ना, तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से विजिबिलिटी दिखाऊं अगर मैं आपको तो यहाँ पर है ना, यही कुछ 7 से 8 किलोमीटर का एक पैच है जो हमेशा बादलों में रहता है। और यहाँ पे मन हुआ कि गाड़ी रोके, थोड़ी देर बैठे, यहाँ से जाने से पहले एक बार ये वाला नज़ारा और देखें। दूर तक यहाँ पर अभी सिर्फ चाय के बागान हैं।
हमारी इस मुंबई से केरला रोड ट्रिप पर, क्योंकि इसके बाद आगे हमें चाय के बागान देखने को नहीं मिलेंगे। और बस मन अटक गया था, दिल नहीं कर रहा था यहाँ से आगे बढ़ने का, इन नज़ारों को पीछे छोड़ के, इन लश ग्रीन टी गार्डन्स पर और इन मिस्टी हिल्स के नज़ारों पर दिल आ गया था। ये सब कुछ बहुत रिफ्रेशिंग था, तो सोचा एक आखिरी बार यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इन खूबसूरत नज़ारों को अपने अंदर यादों की तरह संभाले। अभी आगे बढ़ते हैं, शायद इसके बाद अब हमको चाय के बागान देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद ओशन की तरफ का सफर है वर्कला में। मुन्नार से निकले हम लोग वर्कला के लिए और करीब 15 किलोमीटर हुए होंगे। उसके पहले ही सीनरी इतनी सुंदर थी, लैंडस्केप इतना ज़्यादा सुंदर था। और अभी एक जगह पर नाश्ते के लिए रुके, हाँ, एक अनियन उत्तपम, अनियन उत्तपम, हाँ सर, और एक आपका घी रोस्ट, ये थोड़ा पैक कर, वन स्पून ऑल्सो, ओके, लुक्स डिलीशियस, लुक्स वंडरफुल, ओके, थैंक यू। हम लोगों ने हमारे लिए मंगाया है घी रोस्ट डोसा, कैसा है आपका? अच्छा है, लो ना। नहीं लेता हूँ, अब भी बड़ा ले लो, बड़ा तो ऐसा रूखा ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा रूखा ले लो। ही खाया बड़ा, तो बांध के ले चले रूखे, कहीं भूख लगे तो ऐसे ही खा लो। ठेकड़ी रोड पर मुन्नार से अगर आप आएंगे तो होटल ताज करके छोटा सा रेस्टोरेंट है, चाय कॉफी, ब्रू कॉफी, ब्रू कॉफी, फिल्टर कॉफी आल्सो, ब्रू ब्रू ब्रू, ओके, ब्रू कॉफी। बढ़िया नाश्ता तो हो चुका है, अब आई है कड़क कड़क कॉफी। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना केरला की, खाने के साथ में आपको गर्म पानी देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द फूड इज वेरी गुड, एवरीथिंग, इवन कॉफी इज गुड। शीतल कितने का बिल आया आपने? 310। इतना बड़ा घी रोस्ट डोसा खाया, दो प्लेट वड़े लिए, एक ओनियन उत्तपा लिया, इतनी सारी चटनी सांभर, पर एवरेज जो यहाँ पे देखा ना, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में अच्छे से अच्छी जगह पर जाकर खा रहे अपन तो 100 रुपये पर मेंबर का एवरेज है। वो लोकल खा रहे तो ना, लोकल खा रहे तो। मैं हाल ही में कहीं पर देख रहा था गूगल पे या कोई वेबसाइट पर कि मुन्नार से वर्कला की जो रोड ट्रिप है इसे वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप्स इन इंडिया में कंसीडर किया जाता है।
और आज जब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो समझ आ रहा है क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियाज रूट ट्रिप है। जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। हमारे दोनों तरफ में बहुत सारे इलायची और काली मिर्च के प्लांटेशंस हैं। रोड पर कोई गड्ढा नहीं है, रोड बहुत ही साफ और सुंदर है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। खिड़की के कांच नीचे करते ही तेज़ बहती हुई हवा और बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ें आती है। थोड़ी थोड़ी सी दूरी के ऊपर बहुत सारे वाटरफॉल जाते रहते हैं और ऐसे ही एक वाटरफॉल पर हमने भी हमारा अगला स्टॉप ले लिया। केले के पकौड़े, चाय, चाय भी बहुत अच्छी होती है। शीतल इनकी चाय तो ज़बरदस्त है और ये चटनी कुछ अलग है। वन दाल वड़ा गूगल पे, गूगल पे वर्क। हाँ ये वाह, गूगल पे सब जगह चल रहा है, ये अच्छी बात है। मुझे दाल बड़े बहुत बढ़िया लगे, यहाँ पर कहीं पर भी ले लो, टेस्ट में कमाल है। आराम आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है वर्कला पहुंचने की, और जाना भी ऐसे ही चाहिए।